हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मी। नाउ वी विल स्टडी ऑन इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। टुडे वी विल स्टडी ऑन दोज सेंटेंसेस दैट इज रिलेटेड विद ऑल आ मैटर ऑफ। हम अपनी डेली की लाइफ में इस तरह के वाक्यों का यूज़ करते हैं, जैसे कामयाबी मेहनत की देन है, सुख समृद्धि भाग्य की देन है। तो इस तरह के वाक्यों को हम कैसे बनाएंगे की देन है, और इसके लिए हम ऑल आ मैटर ऑफ यूज़ करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। कामयाबी मेहनत की देन है। कामयाबी मेहनत की देन है। तो सबसे पहले हम किस कामयाबी को इंग्लिश में कहते हैं सक्सेस। सक्सेस इज की देन है। इसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑल आ मैटर ऑफ। ऑल आ मैटर ऑफ मेहनत के लिए हम यूज़ करेंगे हार्ड वर्क। तो हम इस तरह के वाक्य को इस तरह से बनाएंगे, सक्सेस इज ऑल आ मैटर ऑफ हार्ड वर्क। सेकंड देखते हैं, सुख समृद्धि भाग्य की देन है। देन सुख समृद्धि के लिए प्रॉस्पर्टी इज ऑल आ मैटर ऑफ। भाग्य के लिए हम यूज करेंगे लक। देन प्रॉस्पर्टी इज ऑल आ मैटर ऑफ लक। अंग्रेजी बोलना अभ्यास की देन है। अंग्रेजी बोलना के लिए हम यूज करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग। इज की देन है ऑल आ मैटर ऑफ अभ्यास। अभ्यास के लिए हम यूज करेंगे प्रैक्टिस। देन इंग्लिश स्पीकिंग इज ऑल आ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। नेक्स्ट, प्यार प्रकृति की देन है। देन प्यार के लिए हम यूज़ करेंगे लव। की देन है इस ऑल आ मैटर ऑफ नेचर। देन लव इज ऑल आ मैटर ऑफ नेचर। नेक्स्ट, हर सांस भगवान की देन है। इस तरह के वाक्य को हम बनाएंगे हर सांस के लिए हम यूज करेंगे एवरी ब्रीथ इज ऑल आ मैटर ऑफ गॉड। एवरी ब्रीथ इज ऑल अ मैटर ऑफ गॉड। अगेन, नई तकनीकी विज्ञान की देन है। नई तकनीकी के लिए हम यूज करेंगे न्यू टेक्नोलॉजी। इज ऑल अ मैटर ऑफ साइंस। नेक्स्ट, संगणक विज्ञान की देन है। संगणक के लिए हम यूज करेंगे कंप्यूटर। कंप्यूटर
इज ऑल आ मैटर ऑफ साइंस. कंप्यूटर इज ऑल आ मैटर ऑफ साइंस. अगर दोस्तों आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट इट. अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लगा है तो उसके लिए कमेंट करिए प्लीज़.